नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा इस कोरोना काल के कठिन समय में एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी मुझे आप सब लोगों में से किसी दोस्त ने ही व्हाट्सएप पर भेजी थी। इस कहानी में स्नेह है, प्यार है और कठिन समय में कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है ये बताया गया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गली से गुजरते हुए सब्जी वाले ने तीसरी मंजिल की घंटी का बटन दबाया। ऊपर से बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आई महिला ने नीचे देखा। बीबी जी, सब्जी ले लो। बताओ क्या क्या तौलना है? कई दिनों से आपने सब्जी नहीं खरीदी, कोई और देकर जा रहा है क्या? सब्जी वाले ने चिल्लाकर कहा। रुको भैया, मैं नीचे आती हूँ। उसके बाद महिला घर से नीचे उतर कर आई और सब्जी वाले के पास आकर बोली, भैया तुम हमारी घंटी मत बजाया करो, हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हैं बीबी जी, सब्जी खाना तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसी और से लेती हो क्या सब्जी? सब्जी वाले ने कहा। नहीं भैया, उनके पास अब कोई काम नहीं है और किसी तरह हम लोग अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। जब सब ठीक होने लग जाएगा, घर में कुछ पैसे आएंगे तो तुमसे ही सब्जी लिया करूंगी, मैं किसी और से सब्जी नहीं खरीदती हूँ। तुम घंटी बजाते हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें अपनी मजबूरी पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए भैया अब तुम हमारी घंटी मत बजाया करो, महिला कहकर अपने घर में वापस जाने लगी। ओ बहन जी, तनिक रुक जाओ, हम इतने बरस से तुमको सब्जी दे रहे हैं। जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुमने हमसे खूब सब्जी और फल लिए थे, अब अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई है तो क्या हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे? सब्जी वाले ने कहा। कोई नेताजी तो है नहीं कि वादा करके छोड़ दें, रुकी रहो दो मिनट। और सब्जी वाले ने एक थैले के अंदर टमाटर, आलू, प्याज, घिया, कद्दू और करेले डालने के बाद धनिया और मिर्च भी उसमें डाल दिया। महिला हैरान थी, उसने तुरंत कहा, भैया तुम मुझे उधार सब्जी दे रहे हो, कम से कम तौल तो लेते और मुझे पैसे भी बता दो, मैं तुम्हारा हिसाब लिख लूँगी, जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी, महिला ने कहा। वाह, ये क्या बात हुई भला, तोला तो इसलिए नहीं है कि कोई मामा अपने भांजे भांजे से पैसे नहीं लेता है, और बहन मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो यहीं से कमाया है, इसलिए तुम्हारा हिस्सा भी है। गुड़िया के लिए ये आम रख रहा हूँ और भांजे के लिए मौसम्बी। बच्चे को खूब ख्याल रखना, ये बीमारी बहुत बुरी है। और आखिरी बात सुन लो, घंटी तो मैं अब भी बजाऊँगा, ज़रूर बजाऊँगा। और सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए दोनों थैलियाँ महिला के हाथ में थमा दी। अब महिला की आँखें मजबूरी की जगह स्नेह के आंसुओं से भरी हुई थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कहीं और न जाकर अपने आसपास के लोगों की सेवा यदि प्रत्येक व्यक्ति कर ले तो यह मुश्किल घड़ी भी आसानी से गुजर जाएगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।